चलो, तो कल हम लोगों ने वोट करना था। हम लोगों ने डेंस लेयर के वो निकाल लिए थे कि बैकवर्ड की डेंस लेयर में हमारे जो वेट्स निकलेंगे, तो डी वेट्स, डी वाइसेस और डी इनपुट्स हम लोगों ने निकाल लिए थे। ठीक है। अच्छा, हेलो, यस ठीक है। उसके बाद कल एक जैसे क्वेश्चन आया था कि ये मैक्स वाले का, सॉरी रेलू का वो नहीं समझ में आ रहा था, राइट? कि रेलू का वो क्या था, मतलब रेलू का डेरिवेटिव कैसे आया था हम लोगों ने किया था। ये क्लियर है सबको? हो हाँ सर, हो गया क्लियर। गया। अच्छा, क्या रीजन था? जो मतलब सर आउटपुट जो मैं ये रेलू का कह आता था, सकते, आउटपुट जो आता था सर, फिर हाँ जब उसका उसका हम लोग जीरो से कम होती थी तो नेगेटिव कर देते, वो जब आउटपुट रेलू का हो जाता था उसका जब डेरिवेटिव करते थे तो जीरो की जगह जीरो रहने देते थे, क्योंकि फर्क कोई पड़ेगा नहीं ग्रेडियंट पे, और जो वैल्यू जीरो से बड़ी है उसको वही ले लेते थे। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? मतलब जीरो पे सर कांस्टेंट पे आपने बताया था ग्रेडियंट का फर्क पड़ेगा ही नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा सा मैंने कल एकदम सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, इसीलिए मैं उसको वापस से डिस्कस करना चाहता हूँ। होता क्या है कि रेलू मेरा क्या है, रेलू मेरा मैक्स फंक्शन है। ठीक है, ये है मैक्स ऑफ 0, x। ठीक है, अब चलो हम इसको बनाते हैं कि हम इसे थोड़ा चेंज करते हैं। मैं इसको करता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ, और ये है मैक्स ऑफ x, y। ठीक है, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा कि x आएगा अगर x ग्रेटर देन y होगा, और y आ जाएगा अगर y ग्रेटर देन x होगा। ठीक है, ये इसका आउटपुट होगा। अच्छा, ये फंक्शन दो फंक्शनों से मिलके बना हुआ है, x और y से, तो हम लोग इसका नॉर्मल डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव मैं निकालता हूँ, तो डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? कैसे वाई होगी? डेल पे सर वन होगी ना, वन होगी वन और फॉर एक स्पेसिफिक हाँ वन केस में होगी। एक्स ग्रेटर देन 0। हाँ एक्स हाँ ठीक वाई ग्रेटर देन 0 में वन होगी। हाँ, नहीं, अभी जी जीरो कहाँ है? जीरो तो है ही ना, एक्स और वाई है खाली, जीरो कहाँ है इसमें? जीरो नहीं है, सिर्फ और एक्स और वाई है। अगर एक्स ग्रेटर एक्स देन ग्रेटर वाई देन होगा, ठीक है, तो हाँ इसका तो आउटपुट वन क्या आएगा? एक्स, तो एक्स का मतलब वो क्या होता है, डेरिवेटिव वन होता है, राइट? सर। अगर वाई ग्रेटर देन एक्स है तो इसका आउटपुट क्या आएगा? वाई, राइट? यस सर, वाई आएगा, यस तो सर, डेल एफ बाई डेल एक्स मेरा आ जाएगा इक्वल टू डेल वाई डेल एक्स ऑफ वाई। जब हम एक्स के रेस्पेक्ट पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो यस सर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। जीरो। ठीक है, तो अगर मेरे पास, तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और जीरो एल्स, मतलब एल्स केस में ये हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये एक्स और वाई का था, तो मैंने इसको कर दिया मैक्स ऑफ 0, x। ठीक है, तो मैं अब कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव निकालूंगा नहीं, मैं डेल एफ बाई डेल जीरो तो निकालूंगा नहीं, मैं तो क्या निकालूंगा, डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक, तो ये मेरे पास वापस क्या आ जाएगा, वही कि वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और जीरो एल्स। ये ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये जो एक्स है ये क्या है? ये इनपुट वाला है ना, ये इनपुट वाला एक्स है, कि अगर मेरे पास जब मैं रेलू निकाल रहा था तो मैंने कल जो मैट्रिक्स बनाई थी वो बनाई थी, मैंने जो भी बनाई थी, मान लो -3, 1, 2, -5। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर अपना रेलू लगाऊंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 0, 1, 2, 0 0, 1, 2, 0। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा,
ये मेरे पास था x और ये मेरे पास आ गया रेलू ऑफ x, रेलू ऑफ x। अभी मान लो उधर से मेरे पास ग्रेडियंट आया, ठीक है, डेल लॉस कुछ आया, तो वो मेरे पास आया है अभी 0.3 माइनस 0.2, 0.9 और 3, ठीक है, ये मेरे पास डेल लॉस आया है। अब मुझे इसको क्या करना है, बैक प्रोपोगेट करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव अभी हमने देखा कि अगर मेरा इनपुट जीरो से बड़ा होगा तो मेरा ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, वन, और अगर मेरा इनपुट जीरो से छोटा होगा तो मेरा ग्रेडियंट हो जाएगा जीरो। अच्छा, बैक प्रोपगेशन में हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं कि जो पीछे से ग्रेडियंट आ रहा है उसको जो करंट फंक्शन का ग्रेडियंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पीछे से ग्रेडियंट आ रहा है ये, अगर मैं इस इनपुट का भी ग्रेडियंट निकालूंगा तो क्या आएगा ये बताओ, ये तो रेलू निकाला था मैंने, यहां पर मैं इसका ग्रेडियंट बताओ, इसके क्या मैट्रिक्स बनेगी, जीरो वन जीरो पॉइंट नाइन नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, किसकी, रेलू की, रेलू का जो इनपुट है इस पे अगर मैं अभी ग्रेडियंट निकालूंगा तो मतलब की तो इस लोकल का ग्रेडियंट क्या होगा, हाँ मतलब यहां पर अगर मैं ग्रेडियंट निकालूंगा तो क्या होगा मेरे पास, जीरो, अभी मल्टीप्लाई करके ना बताना, मल्टीप्लाई अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेडियंट अभी बताया ना कि अगर एक्स जीरो से बड़ा है तो वन हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, अगर एक्स जीरो से छोटा है माइनस थ्री, जीरो से छोटा है जीरो हो गया, वन जीरो से बड़ा है वन हो गया, टू जीरो से बड़ा है वन हो गया, और माइनस फाइव जीरो से छोटा है जीरो हो गया, यही तो होगा ना इसका ग्रेडियंट। उसको जब हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू वैसे ही पास हो जाएगी ना, तो रेलू का ग्रेडियंट तो खाली वन और जीरो यही दो वैल्यूज हो सकती हैं और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये मेरे पास ग्रेडियंट आया 010110, ठीक है। अब मुझे बैक प्रोपगेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां पर मेरे पास जीरो आया वहां पर वैल्यू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, वन था तो निगेटिव 0.2 रहेगी, ये यहां पर वन था तो 0.9 रहेगी, और यहां पर आया 3 × 0 जीरो हो जाएगी मेरे पास, ये मेरे पास फाइनल बैक प्रोपगेशन के बाद ग्रेडियंट आया। तो यही चीज जब मैंने कल बताई थी तो मैंने कहा था कि आप ऐसा करो कि जो आउटपुट है मेरे पास रेलू का उसमें जहां पर जीरो है वहां पर जीरो फिल कर दो, बाकी जगह जो सेम वैल्यू ग्रेडियंट की आ रही है वही फिल कर दो, यही तो कल कहा था। यस सर। तो वो कैसे हो रहा है, तो ये हम लोगों ने किया था क्योंकि कोडिंग में हमें ये चीज ईजी पड़ती है कि जहां पर जीरो नहीं है वहां पर वैल्यू सेम रख लो, नहीं तो यहां पर हमें वापस रेलू का वो लगाना पड़ता ग्रेडियंट निकालो, तो इसलिए हम लोगों ने वो डायरेक्ट किया था। बट मेन मैथमेटिकल रीजन ये है कि मेरे पास ग्रेडियंट जीरो या वन आएगा उसको जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो जहां पर जीरो है आउटपुट का वहां जीरो हो जाएगा और जहां पर वैल्यू है वहां पर सेम वैल्यू वैसी की वैसी रेप्लिकेट हो जाएगी। तो रेलू के ग्रेडियंट भी ये कहानी। हाँ, अब ये ग्रेडियंट अब सही वाले पीछे जाएगा जो भी निकालना है। अब ये हमने निकाल लिया है मल्टीप्लाई करके, अब जो इसके पीछे वाला फंक्शन होगा वो इसमें जाएगा। आगे से मेरे पास ये आया, देखो डेल लॉस लिखा है ना, आगे से मेरे पास ये आया उसको हम लोग अपने लोकल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं मल्टीप्लाई करते चेन रूल के लिए। यस सर, यस। लोकल ग्रेडियंट हमने ये निकाला है वही तो मल्टीप्लिकेशन किया है, इसको और कुछ थोड़ी किया है, ठीक है। चलो ये थी सर, ये सर जो हम लोग लगाते हैं ये रेलू और बाकी जो भी लगाते हैं ये सब अपने सुविधा के अनुसार लगाते हैं ना, कि कब रेलू लगाना है कब वो सुविधा के अनुसार और अपनी जरूरत के अनुसार भी।
कि जैसे रेलू की भाई लिमिट अनलिमिटेड है, ठीक है, तो मैं इसको क्लासिफिकेशन में नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि क्लासिफिकेशन में मुझे तीन नंबर चाहिए, मुझे मान लो तीन ही क्लासेस हैं, तो मैं जो बीच की लेयर है वहाँ पर मैं रेलू यूज़ करूँगा और जो लास्ट की लेयर है वहाँ पर मैं सॉफ्ट मैक्स यूज़ करूँगा क्योंकि सॉफ्ट मैक्स मेरे को प्रोबेबिलिटी वाली फॉर्मेट में देता है जहाँ पर हमको जैसी ज़रूरत पड़ती है। देखो ये सब क्या है, ये सब हमारे पास टूल्स हैं, डेरिवेटिव चेन रूल मैथमेटिक्स का एक टूल है, इन टूल्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करती है, कब ट्रांसपोज लेना है कि हमारा जो आउटपुट है वो हमारे हिसाब से आ जाए, और उस काम को करने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक टूल है। मुझे रो वाइज, मुझे इस रो के और इस कॉलम के मल्टीप्लाई करने थे, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने देखा कि मेरे पास पहले से ही एक टूल अवेलेबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, अगर मैं वो कर दूंगा तो मेरे पास ये डायरेक्ट नंबर्स मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे। हाँ बताओ क्या कह रहे थे। इसमें ये कह रहा था कि जो उन्होंने कंसेप्ट, जो कंसेप्ट लिया जो ग्रेडियंट को पीछे ले जा रही है सारा प्रोसेस है, तो ये क्या जैसे टेन एस स्टेप फंक्शन होगा, सबके फंक्शन के हिसाब से सब अलग अलग है, कंसेप्ट सेम रहेगा सबके हिसाब से, अलग ग्रेडियंट रहेगा ना, हर फंक्शन का डेरिवेटिव अलग होता है ना। हम लोगों ने डेंस के अलग डेरिवेटिव निकाले, हम लोगों ने इसका रेलू का अभी निकाला, ठीक है, लीनियर का डेरिवेटिव क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वन हो जाएगा लीनियर फंक्शन का। उसके बाद हम लोगों ने जो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी पढ़ा है और सॉफ्ट मैक्स का पढ़ा है, तो मैंने कल बताया था कि उसका सिंपल सा होता है वाई आई हैट माइनस वाई, ये डेरिवेटिव आता है, जिसका मैंने आज डॉक्यूमेंट भी भेजा था कि ये कैसे आता है। तो जितने फंक्शन तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क में लगेंगे हर फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंट होगा। डेंस लेयर में हमें निकालना पड़ा क्योंकि हम लोग वहां पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर रहे थे, तो हमें इसके और भी फंक्शन होते होंगे ना, बहुत फंक्शंस होते हैं। अभी तो हम लोगों ने जैसे लॉस का देखा है, हमने क्लासिफिकेशन का लॉस का देखा है। अभी मान लो कि आपको एक न्यूरल नेटवर्क बनाना है जिसको जब आप फोटो दो तो फोटो में जहां पर आदमी खड़ा है ये आदमी की लोकेशन, मतलब कि इसके अगल बगल बॉक्स बनकर आ जाए, ठीक है, कि किस पोजीशन पर आदमी, आपको ये निकालना है, तो वैसे ही हमारा लॉस फंक्शन तुरंत चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमें ये नहीं बताना कि इसमें आदमी है कि नहीं, हमें आदमी की प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, अभी हमें इसमें एक बॉक्स बना के देना है। तो अब आपको क्या करना है कि एक आपके पास ओरिजिनल इमेज में बॉक्स होगा कि भैया आदमी यहाँ पर खड़ा है, और एक आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो बॉक्स निकाल के देगा। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपको दो बॉक्स को कंपेयर करना है तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेम है कि नहीं है, और उसके बाद इनकी विड्थ और हाइट सेम है कि नहीं है। अगर ये चीजें सेम होंगी तो ये मेरा सेम बॉक्स होगा, यस यस, ठीक है। तो इस केस में मेरा लॉस बन जाता है कि मिड पॉइंट मान लो है एक्स वन कॉमा वाई वन, ये है प्रिडिक्टेड, ठीक है, और एक्स कॉमा वाई है मेरा एक्चुअल वैल्यू, तो लॉस मेरा बन जाएगा एक्स माइनस एक्स बार प्लस वाई माइनस वाई बार, इसका स्क्वायर, स्क्वायर हम लोग करते हैं डिस्टेंस के लिए, प्लस विड्थ माइनस जो आपके बॉक्स की विड्थ प्रिडिक्टेड है उसका स्क्वायर, प्लस हाइट माइनस हाइट प्रिडिक्टेड का स्क्वायर, मेरा लॉस फंक्शन ये बन जाएगा। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो कोई भी कॉर्नर पॉइंट भी ले सकते हैं ना। हाँ ले सकते हो, लेकिन कॉर्नर पॉइंट लेना क्यों है, मतलब नहीं मैं समझा नहीं, कॉर्नर पॉइंट क्या चीज, कॉर्नर जैसे रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ मिड, रेफरेंस के लिए हम लोग मिड मिड पॉइंट ले रहे हैं, हाँ, वैसे कोई भी कॉर्नर पॉइंट भी तो ले सकते हैं, कॉर्नर पॉइंट भी ले सकते हो, लॉस फंक्शन तुम अपने हिसाब से बनाओगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली सेम चीज रहेगी, तुम कॉर्नर ले लो, हम लोग बनाते हैं कि मतलब कि लोगों ने बनाया है या इंसानों ने ही बनाया है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जब हमें अपनी कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी तब हम उसको बनाएंगे। अभी तो जो बना रखा है, जो लोगों ने कर रखा है वो चीज हम लोग, जो कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाँ बताओ राहुल, ये सर आपने ऊपर बनाया, इसमें सर इमेज की साइज भी तो अलग हो सकती है, तो ये जो हमारा वेट कैसे बराबर दोनों में समझेगा, मतलब कि नहीं इमेज की साइज क्यों अलग होगी, यही मेरा इनपुट है, ठीक है, इसमें हमने बताया नहीं कि भाई कि कहाँ पर आदमी है, और ये मेरा टारगेट था,
जिसमें हमने पहले से लेबल कर रखा है कि इस बॉक्स पर, इस पर्टिकुलर बॉक्स पर आदमी है, जो हम लोग अभी तक डेटा देते आ रहे हैं, जिसमें हम फोटो दे रहे हैं, तो उस फोटो में बिल्ली है कि कुत्ता, कि कैट है, कि डॉग है, ठीक है, ये तो हम पहले से ही बता रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि जब हम यहाँ पर मैच करने जा रहे हैं तो हम फोटो बदल दे रहे हैं। नहीं, जैसे मैं सर ये कह रहा था कि जैसे हमने ने कोई 400x400 पिक्सल की इमेज दी और इसको सिखा दिया ट्रेडिंग कर, और कल मैं कुछ नई इमेज देता हूँ, अनसीन एक इमेज देता हूँ, उसकी पिक्सल सर होती है कुछ बड़ी होती है, कुछ 900x900 होती है, तो उसकी जो इमेज होगी तो मतलब वो ट्रेन कर लेगा, मतलब पकड़ नहीं लेगा। ट्रेन नहीं, नहीं 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 गलत 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 ले जा रहे हो। ट्रेनिंग के टाइम पर आप बताओगे, आप उसको ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आते हो कि आपके पास इमेज चाहे जितनी बड़ी हो आप उसको 400x400 में लेकर आ गए, वो आप फाइनल करोगे। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कर, जब आप बना लिया, आपने मॉडल बना लिया, और ये जो लॉस है ये ट्रेनिंग के टाइम पे कैलकुलेट हो रहा है, ये टेस्टिंग के टाइम पे नहीं कैलकुलेट होता है, ये खाली ट्रेनिंग के टाइम पे कैलकुलेट होता है, क्योंकि हमें अपने वेट्स को ठीक करना है ना। कि मान लो कि इसने पहले बॉक्स यहाँ बनाया तो बोला कि नहीं भैया डिस्टेंस बहुत आ रही है, इस डिस्टेंस को थोड़ा लेफ्ट लेकर आओ, कि तुम्हारी हाइट और विड्थ तो सेम है लेकिन तुम्हारे एक्स और वाई गड़बड़ है तो तुम इसे थोड़ा लेफ्ट लेकर आओ। तो ये सब ट्रेनिंग के टाइम पर हो रहा है। जब आप उसको इन्फ्रेंस बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें उसे उसकी इमेज को जो भले तुम 900 लेकर आओ, वो वापस उसको 400 में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके ऊपर सेम मॉडल लगाएगा। आपको अपनी इमेज को अपने मॉडल के हिसाब से रीशेप करना ही पड़ेगा। हाँ बताओ। सर इसमें डीप लर्निंग में जितना भी दिमाग लगता है तो सब लॉस फंक्शन निकालने में और ग्रेडिएंट ग्रेडिएंट निकालने में लगता है ना। हाँ, बाकी तो सब डिफाइंड रहता है कि कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, कौन सा मैट्रिक्स किस फॉर्मेट में रहेगा, इस टाइप का। बाकी वो तो हमने देख ही लिया ना कि आप R, N कितने बस सब तो डिफाइंड ही है। हाँ, आप कितनी रोज लेने, मेन खेल यही है, लॉस और ग्रेडिएंट। और अभी इतना काम हो चुका है कि आपको ग्रेडिएंट की भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे पाइथन और पाइटॉर्च के पैकेजेस आ गए हैं जिसमें आप वो ऑटोमेटिकली ग्रेडिएंट कैलकुलेट कर लेता है। नया फंक्शन के हैं? हाँ, जो प्री डिफाइंड फंक्शन खाली उनके की, नए फंक्शन के भी नहीं, आप नया फंक्शन बनाओगे उससे ग्रेडिएंट कैलकुलेट कर लेगा। अच्छा, मतलब ये जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, ये जो मैंने तुम लोग को अभी 15 क्लासेस हो गई हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, 15 क्लासेस में हम लोग अभी तक ऑप्टिमाइज भी नहीं किया है हमने, ठीक है ना। लोग ये एक घंटे में कर देते हैं, खाली इसलिए है कि जब तक इंटरनल पता होंगे तब जब तुम जाके पाइटॉर्च या किसी में काम करोगे तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास एरर आएगी कि यार ये 4x3 का मतलब कि मैच नहीं कर रहा है, तुरंत तुम अपनी कॉपी निकालोगे, कहोगे अच्छा ठीक है 1000x784 की ये मैट्रिक्स है, मेरे पास 100 न्यूरॉन्स हैं तो मेरे पास 100x784 का वेट्स हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा तो ये 784x100 हो जाएंगे, इतने वेट्स के पैरामीटर्स हो जाएंगे, न्यूरॉन 100 हैं तो मेरे पास 100 बायसेस भी होंगे, इसका आउटपुट शेप मेरे पास आ जाएगा 100 इनपुट है, 100 न्यूरॉन्स हैं तो 100x100 का, ठीक है, ये मेरे पास आउटपुट शेप आ गया इसका। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसमें कितने न्यूरॉन्स है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके तुम करोगे, तुम देख लोगे कि हाँ ठीक है, इस मान लो कि तुमने चौथी लेयर में तुमने जो न्यूरॉन्स के शेप है वो गलत ले लिया, तुमने डीबग किया उसे, उसके शेप को सही किया, वापस रन किया, तुम्हारा कोड चल गया। ये खाली हम लोग कहानी इन सब के लिए कर रहे हैं, बाकी नहीं तो ये कह रहा हूं ना, ये जितना हम लोगों ने 15 घंटे में पढ़ा ये मेरे ख्याल से जो उस दिन वीडियो भेजा था तो उस वीडियो तक पहुंचने में आपको 3 घंटे लगते हैं, एक एक घंटे की 3 क्लासेस है, जो उस दिन स्टैनफोर्ड वाला भेजा था CS 230 वाला। यस यस, वो तीसरा वीडियो मतलब चौथा वीडियो था, पहला वीडियो तो खाली ऐसे ही लेक्चर था कि कैसे हुआ कंप्यूटर विजन, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो 3 घंटे में वो जैकोबियन तक आ गया था और कोड उसने करा दिया था, हम लोग 15 घंटे पर, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि हम लोग इस तरह के सब काम कर रहे हैं, एक एक मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो चलो आज हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़रूरी है। ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं है, हम लोगों ने अपना क्या किया, फॉरवर्ड पास किया, ठीक है, बैकवर्ड पास कर लिया,
इसका करें क्या, हम क्यों कर रहे हैं? इतनी कहानी जो हम लोगों ने देखी है पिछले 15 दिनों में, वो क्यों देखी है? तो पहले एक चीज होती है कि हम लोगों ने लॉस फंक्शन निकाला, ठीक है। तो लॉस आपका होता है एक सैंपल के लिए, तो हम लोग का यहां पर लॉस फंक्शन क्या है? कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस है, तो वह है माइनस समेशन के वाई आई, सॉरी लॉग ऑफ वाई आई कॉमा के, यही है हमारा। तो ये हमारे पास एक का है, ठीक है, ये हमारे पास एक का है। और एक टर्म और आप लोग सुनते होंगे, कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। लॉस आपका एक रो, एक सैंपल का होता है, एक रो ऑफ इनपुट का होता है। कॉस्ट आपका पूरे डेटा सेट का लॉस होता है, पूरे डेटा सेट का लॉस, ठीक है। तो लॉस अगर मैं करूंगा तो मैं यहां पर समेशन नहीं करूंगा, मैं सिंपल कर दूंगा माइनस लॉग ऑफ वाई के, और कॉस्ट हो जाएगा मेरा समेशन ऑफ, मतलब सारी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज, जितनी भी रोज आपके डेटा सेट में है, उनका सब, उन सबका लॉस, सॉरी लॉग, हाँ लॉग वो, और उन सबका समेशन। और इसके बाद हम इसे डिवाइड भी कर देते हैं नंबर ऑफ सैंपल से, ठीक है। तो कॉस्ट और लॉस में बड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि लॉस पर सैंपल का होता है, मतलब एक सैंपल का होता है, और जो कॉस्ट होती है वो मेरे पास सारे डेटा को मिला के रहती है, ठीक है। एक चीज और है, मॉडल वर्सेस कॉस्ट। पर सैंपल मतलब एक इनपुट ना? हाँ, एक इनपुट, रो ना? हाँ, एक रो, सैंपल रो एक है। एक चीज और आती है मॉडल और कॉस्ट फंक्शन की, तो लोग इसको कर देते हैं कि मतलब मेरा मॉडल और ये कॉस्ट लगभग सेम है। नहीं, मॉडल आपका क्या होता है, ये जो हम लोगों ने पूरा आर्किटेक्चर बनाया, ठीक है ना, ये होता है मॉडल। मॉडल का इनपुट क्या होता है? मॉडल का इनपुट होता है जो भी हमारे पास डेटा सेट होता है, ठीक है, उस डेटा सेट की एक रो। जैसे मेरे पास 100 इमेजेस का डेटा सेट है, तो एक इमेज, वो मेरे पास हो गई इमेज। और इसका आउटपुट क्या होता है? वो होता है एक लेबल या कोई वैल्यू, कि भैया आपने इमेज दी तो इसमें कैट है, आपने इमेज दी तो इसमें डॉग है, या फिर आपने घर के प्राइसेस की एक रो, मतलब घर के एरिया और बाकी सब डेटा की एक रो दी, तो उसने घर का प्राइस बता दिया कि इतना घर की प्राइस होनी चाहिए। तो मॉडल का जो इनपुट है वो हमारे पास इमेज हो सकती है, मतलब जो भी डेटा सेट है मेरे पास वो हो सकता है, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन, इसका जो इनपुट है, ठीक है, ये है मेरे पास पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मेरे पास क्या क्या है, कितने नॉब्स हैं मेरे पास मूव करने को न्यूरल नेटवर्क में? वेट्स बायस, वेट्स बायस दो, ठीक है। तो कॉस्ट का इनपुट होता है वेट्स और बायस, और जो भी हमारे पास फंक्शन होते हैं, और इसका आउटपुट होता है एक कॉस्ट, मतलब कॉस्ट वैल्यू, जो बताता है कि आप कितनी दूर हो, कि आपने कितना अच्छा काम किया है, ठीक है। तो मॉडल मेरा खाली काम करता है, कॉस्ट मेरा बताता है कि अच्छा काम किया है कि बुरा काम किया है। मॉडल का इनपुट मेरे पास डेटा सेट होता है, उसका आउटपुट जो भी वैल्यू होगी, लेबल होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब टास्क के हिसाब से। और कॉस्ट हमारा कहता है कि उसने वो टास्क कितने अच्छे से किया हुआ है। अगर मॉडल है जो, इसी को मॉडलिंग कहते हैं सर। हमारे जो वेट्स और बायसेस है, ठीक है, प्लस आर्किटेक्चर जो मेरे उसका है न्यूरल नेटवर्क का ना, यस सर, ये मेरा पूरा मॉडल होता है। आर्किटेक्चर मतलब कि कितनी लेयर्स हैं, हर लेयर में कितने न्यूरॉन हैं, और कौन से एक्टिवेशन फंक्शन लगे हैं वो, और जो मेरे पास वेट्स और बायसेस हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग, ये मेरा मॉडल होता है। ओके सर, ठीक है। कॉस्ट में आर्किटेक्चर से मतलब क्या है, वो कैलकुलेट तो करता ही है, लेकिन उसका इनपुट सिर्फ वेट्स और बायस होते हैं, उसको डेटा सेट से मतलब नहीं होता है। उसको आपने वेट्स और बायसेस दिए, उसको आपने एक करेक्ट वैल्यू दी कि हाँ भाई ये करेक्ट वैल्यू है, ये इनपुट था, तो इन वेट्स और बायसेस के ऊपर ये वैल्यू सही करेक्ट, कितनी दूर है, कितनी पास है, वो चीज़ है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग पढ़ते आए अब तक कि भाई मिनिमाइज
लॉस और ऑप्टिमाइज कॉस्ट। अगर आप एक लॉस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अच्छा, हम लोग कॉस्ट के ऊपर क्यों काम करते हैं? ठीक है, कॉस्ट के ऊपर क्यों काम करते हैं, लॉस के ऊपर काम क्यों नहीं करते? लॉस क्या है? लॉस एक सैंपल का है, ठीक है, मतलब एक रो का है। अगर मान लो कि मैंने लॉस अपना निकाला किसी पर्टिकुलर आईएथ सैंपल के लिए, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने वेट्स और बायसेस को अपडेट किया, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला था कि डब्ल्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट, ठीक है, मैंने लॉस निकाला उसके हिसाब से अपडेट किया। अच्छा, अगर मैंने इस सैंपल के हिसाब से लॉस को अपडेट किया, तो मतलब कि मैंने ग्रेडियंट निकाला इस लॉस के हिसाब से और उसको अपडेट किया, तो हो सकता है कि अगर जब मेरे पास जो डब्ल्यू न्यू और बी न्यू, जो मेरे पास वेट्स और बायसेस की नई वैल्यूज आई थी, इन न्यू वैल्यू से इस पर्टिकुलर सैंपल का लॉस कम हो जाए। ध्यान दो, इन न्यू वैल्यू से इस पर्टिकुलर सैंपल का लॉस कम हो जाए। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक सैंपल तो है नहीं, मेरे पास तो हजारों रोज है ना, मेरे पास तो हजारों रोज ऑफ डेटा है, तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सैंपल का लॉस पक्का कम हो गई होगा, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेडियंट निकाला उसके बाद अपना बैक प्रोग्रेट करके फॉर्मूला किया है। लेकिन इन नई वैल्यूज से हो सकता है कि मेरे पास जो हजार रोज हैं इनमें से 500 रोज का लॉस बढ़ जाए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है, कि एक की वैल्यू की वजह से मेरा लॉस एक के लिए तो कम हो गया, लेकिन 100 लोगों के लिए बढ़ गया। तो हम लोग अगर इस तरह करेंगे तो हम लोग जिंदगी भर एक एक सैंपल को देखते रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार में पूरा का पूरा जो है डेटा सेट का करते हैं, ठीक है। अब उसमें हम लोग बैच, मतलब कि हम लोग उसमें दो दो चार चीज़ें करते हैं कि ठीक है, जैसे मैंने 100 रोज एक साथ ले ली, तो इससे क्या होगा कि हमें जनरल डायरेक्शन मिल जाती है। इन्हीं सबको हम लोग कहते हैं बैच, ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, स्टोकेस्टिक होता है कि एक पॉइंट को लेकर, बट हम लोग ऐसे 100-100 को लेकर करते हैं और पूरे डेटा सेट का करते चलते हैं कि शुरुआत की 100 रोज, फिर बाद की 100 रोज, फिर बाद की 100 रोज, फिर बाद की 100 रोज, जैसे अगर 1000 है तो ऐसे ऐसे हम लोग बैचेस में लेके चलते हैं। क्योंकि जब आप बैच में लेके चलोगे तब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हो, आप उन 100 के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो हो सकता वो होता है कि वो ठीक तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें लॉस को घटाना है। अब लॉस है क्या, ठीक है, तो अभी हम लोग मान के चलते हैं एक सिंपल, कॉस्ट को घटाना है हमें। लॉस तो मतलब एक का हो गया, कॉस्ट को हमें घटाना है, ठीक है। हमारे पास कोई कॉस्ट फंक्शन होगा, हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट फंक्शन होंगे, ठीक है, हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट फंक्शन होंगे, हमें उन कॉस्ट को सेपरेट करना है, बट तरीका सेम होगा डिक्रीज करने का। वो क्या है, ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट से बैक प्रोपोगेट करो, उसके हिसाब से उसको कम कर दो। तो अभी के लिए हम लोग एक सिंपल लेते हैं, मान लो मेरा कॉस्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, मेरा मान लो मेरा कॉस्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का प्लॉट सबको समझ में आता है? ऐसा नहीं होगा, पैराबोला होगा, ठीक है, ये मान के चलो कि एकदम पैराबोला है, परफेक्ट। अच्छा, एक्स यहां पर क्या है मेरा, डब्ल्यू है, ठीक है, ये डब्ल्यू है मेरे पास, और ये मेरे पास कॉस्ट है, कि मतलब एक्स को तुम एक्स एस ना लो, डब्ल्यू ले लो, कि यहाँ एक वेट है, सेट ऑफ वेट्स हैं, कुछ भी सेट ऑफ वेट्स हैं। अभी के लिए हम लोग वन डी में बात कर रहे हैं, तो मेरे पास एक वेट है, मुझे उसी को ऊपर नीचे करना है और मुझे इसको डिक्रीज करना है। अच्छा, वेट्स को हम लोग कैसे इनिशियलाइज करते हैं, रैंडमली, ठीक है। तो मान लो कि मेरा पहला वेट जो हम लोगों ने इनिशियलाइज किया तो मेरे पास यहां पर आया, ठीक है, ये एक्सिस है W, ये एक्सिस है कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने रैंडमली इनिशियलाइज किया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ भी डब्ल्यू आर कह लो, यहां पर इनिशियलाइज हुआ, तो इस डब्ल्यू आर की वजह से मेरी कॉस्ट कितनी आई, कुछ सी वन कॉस्ट आई, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। मैंने
मैंने रैंडमली ये पॉइंट चूज किया और उस पॉइंट के हिसाब से मैंने क्या कहा कि कॉस्ट का इनपुट क्या होता है, मेरे वेट्स होते हैं और पैरामीटर्स होते हैं वेट्स और बायसेस, तो मैंने भाई एक रैंडमली वेट चूज किया, उसके हिसाब से मेरी कॉस्ट ही आ गई। हमें करना क्या है, हमें कॉस्ट को डिक्रीज करना है, और सबसे मिनिमम कॉस्ट किस पॉइंट पर है? जी यहाँ पर नीचे जहाँ पर बना रहा हूँ मैं वहाँ पर है, ठीक है, सबसे मिनिमम कॉस्ट इस पॉइंट पर है। तो मैं इस जगह पर हूं, मुझे अब अगर मैं वेट्स को बढ़ाऊंगा तो मेरी कॉस्ट घटेगी, राइट? यस सर। अगर मैं वेट्स को राइट साइड लेके जाऊंगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। ओके कूल सर। नहीं लेकिन जस्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर ही है और जो हाँ। वेट लिए वो भी एक्स स्क्वायर के ऊपर ही लाइक कर रहे हैं ना? नहीं यार, वो तो हमेशा लाइक करेगा ना, इनपुट मतलब क्या है, वो एक्स इनपुट क्या है, डब्ल्यू ही तो हुआ। अच्छा अच्छा इनपुट डब्ल्यू, अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक मतलब मेरे पास ये वेट है, मुझे इस वेट को ऑप्टिमाइज करना है अपने कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए। मैंने कहा कि वेट्स में रैंडमली चूज करता हूँ तो मैंने रैंडमली यहाँ चूज किया, तो जब मैं डब्ल्यू जीरो ये लूंगा तो मेरे कॉस्ट की वैल्यू ये आएगी ना, ठीक है। अब मुझे राइट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, तो राइट डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट डायरेक्शन में जाना। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि भाई कि मैं रैंडमली यहाँ पर हो सकता था, मैंने तो रैंडम लिया था, रैंडमली मैं यहाँ भी हो सकता था, यहां पर भी मेरी कॉस्ट सेम आती तब मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में जाना होता। तो मुझे एक डायरेक्शन चाहिए कि अगर मैं रैंडमली चूज किया, जो मैंने पहले इटरेशन में सबसे पहले जब मैंने रैंडमली वेट चूज किया उससे मेरे पास कोई कॉस्ट की वैल्यू आई, ठीक है, तो अगर मुझे इस पॉइंट से कोई डायरेक्शन मिल जाए कि यार तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है तो मैं उस डायरेक्शन में मूव करने लगूंगा, ठीक है। यस सर। अगर आपको लखनऊ से ग्वालियर जाना है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि आप लखनऊ में हो, ग्वालियर की आपको पता है कि ग्वालियर जाना है, मुझे यहाँ जाना है लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं पता है, तो मैं डायरेक्शन कैसे निकालूँ? मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, ठीक है। मैं अभी देख के बता सकता हूँ मुझे राइट में जाना है लेफ्ट में जाना है, बट इस बेचारे डब्ल्यू नॉट और इस बेचारे सी को क्या पता कि किस डायरेक्शन में जाना है? ये तो मैथ्स के कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट या डेरिवेटिव या स्लोप, ठीक है। ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, किसी ने पूरे वीडियो पुराने वीडियोस देखे हैं, क्या होता है बताओ ग्रेडियंट? रेट ऑफ चेंज, ग्रेडियंट स्लोप और डिसेंट इज डिक्रीज, ग्रेडियंट स्लोप और डिसेंट डिक्रीज, डिसेंट डिक्रीज इसका क्या मतलब है? मतलब हमें स्लोप को डिक्रीज करते हुए ले जाना है मिनिमम पॉइंट। अच्छा, स्लोप डेरिवेटिव और ग्रेडियंट में क्या अंतर होता है? मतलब जो मतलब एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें सर उसके टेंजेंट पे करनी पड़ती है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम होता है, ग्रेडियंट का मतलब ही वही होता है स्लोप। सर सबका मतलब यही है कि रेट ऑफ चेंज। हाँ लेकिन कुछ अंतर तो होगा ना, नहीं तो मेरे पास तीन शब्द क्यों होते हैं? इम्पैक्ट तो इसी का है। ग्रेडियंट होता है मेरे पास जब मेरे पास मल्टी पैरामीटर फंक्शन होते हैं, ग्रेडियंट हमेशा एक मैट्रिक्स होगी, क्यों? क्योंकि मेरे पास फंक्शन में एक्स भी होगा वाई भी होगा, तो मुझे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इन पार्शियल डेरिवेटिव की मैट्रिक्स को हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। तो सर हम लोग लीनियर रिग्रेशन में भी तो y mx + c होता है, तो उसमें तो एक x होता है खाली। हाँ तो भी ग्रेडियंट यूज करते हैं हम? नहीं ग्रेडियंट उसमें तुम्हारे पास एक नहीं, तो उसमें तुम्हारे पास दो होते हैं ना, mx + c होता है, तो पैरामीटर तुम्हारे पास ये और ये हो गए ना, दो हुए कि नहीं हुए? यही तो है, ये wx + b तो लिखा है, क्या हमने w के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट निकाला कल?
कल हमने बी के रेस्पेक्ट में ग्रेडियंट निकाला, बायसेस के रेस्पेक्ट में भी तो निकाला था, भले वो मल्टीप्लाई हो गया था डायरेक्ट क्योंकि प्लस है, लेकिन निकाला तो था हमने, तो यही तो लिखा है। तो वहाँ पर भी हम लोग याद करो, अगर लीनियर इक्वेशन का कोड अगर मेरा वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोग दो ग्रेडियंट्स निकालने हैं, एम का अलग, एम का अपडेट अलग है, एम की वैल्यू अलग चेंज होती है और सी की वैल्यू अलग चेंज होती है, या फिर डब्ल्यू की वैल्यू अलग और बी की वैल्यू अलग। यस सर, तो मतलब ये चीज़ पता होनी चाहिए, ग्रेडियंट एक मेट्रिक्स होगी, हर चीज़ स्लोप और हर चीज़ रेट ऑफ चेंज होनी है। ग्रेडियंट आपका रेट ऑफ चेंज होगा कि फंक्शन अगर खाली सिर्फ एक्स में मूव करो बाकी को कांस्टेंट रखो तो कितना चेंज हो रहा है, और खाली वाई को मूव करो और बाकी पूरी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखो तब कितना चेंज हो रहा है। इसलिए हमें मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, क्योंकि जब मेरे पास फंक्शन एक्स और वाई के हिसाब से डिपेंड करने लगा है तो एक्स के साथ वाई भी तो मूव कर सकता है। Yes, sir. तो इस ये मूव कितना होगा, इसी के लिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव की मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ग्रेडियंट वो होता है, डेरिवेटिव आपका जो होता है वो सिंगल वाला होता है कि आपका फंक्शन सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। स्लोप क्या है, डेरिवेटिव जो हम लोग निकालते हैं जब सिंगल फंक्शन वाला निकालते हैं तो डेरिवेटिव क्या होता है, वो टेंजेंट लाइन होती है। तो उस टेंजेंट लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये लाइन मेरी बन रही है तो ये लाइन मेरी ऐसे बनेगी, खाली मुझे उसमें एंगल की जरूरत होती है। तो इसलिए हम लोग खाली स्लोप की बात करते हैं, लेकिन इन तीनों में अंतर है, ऐसा नहीं है कि तीनों सिर्फ सब कुछ एक ही चीज़ है, पता होना चाहिए क्या चीज़ अंतर है। और ये सब मैंने बैठ के एक क्लास में पूरा डिस्कस किया है, थर्ड सेकेंड या थर्ड फोर्थ में, जब हम लोग बैक डेरिवेटिव शुरू कर रहे थे क्या अंतर है। ठीक है, चलो अब ये जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है ना, मैं ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ, और अगर आप एक सिंगल उसमें बात करोगे तो आप डेरिवेटिव की बात करोगे। ये जो ग्रेडियंट होता है ये मुझे बताता है डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट, सॉरी स्टीपेस्ट डिसेंट नहीं कहूँगा, डायरेक्शन, रुक जाओ इसे वापस लिखते हैं, डायरेक्शन इन विच वी कैन गो फास्टेस्ट। ठीक है, मीटिंग एंड हो रही है, एक बार वापस से एंड करते हैं, वापस से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वापस से ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो हमें लिखा है कि ग्रेडियंट जो हमें बताता है वो हमें डायरेक्शन बताता है कि अगर आपको उस फंक्शन में आगे बढ़ना है, अगर आपको उस फंक्शन में आगे बढ़ना है मतलब कि उस फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो, फंक्शन की वैल्यू आप इंक्रीज करना चाहते हो, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज, तो उस डायरेक्शन में जाओ। कैसे करता है वो हम देख लेते हैं, मैं वापस वाइट पर आता हूँ, रेड समझ नहीं आता। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, अभी मुझे पता है कि ये एक्स स्क्वायर है और मुझे इसका डेरिवेटिव भी पता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, ठीक है, तो यहाँ पर x है तो मतलब इसका क्या है कि इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है, ये x की वैल्यू के हिसाब से चेंज होगा। मैंने यहाँ पर लिया x की वैल्यू, ली मैंने 4, ठीक है, तो किसी भी कर्व का जो डेरिवेटिव होता है वो उसके उस पॉइंट पर टेंजेंट होता है। ठीक है, x की वैल्यू है 4 तो 2x क्या आ गया, 8, ठीक है। यस सर, अच्छा अब ये जो लाइन है इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि भाई कि टेन थीटा इक्वल टू 8 है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा ही तो होता है ना, हाँ परपेंडिकुलर, यस सर, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 8 हो जाएगा, टेन इनवर्स, इसकी वैल्यू मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, टेन इनवर्स 8, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है,
स्टैंडर्ड नहीं, क्या चाहिए मेरे को, साइंटिफिक चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं आ रहा है सर, 82.87 82.87 चलो ठीक है 82.87। तो ये मेरा मान के चलता हूँ, मैंने रैंक तो अच्छी नहीं ना, मैंने एग्जैक्टली बनाया टू द स्केल, तो ये अराउंड 82.87 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा जो एट वैल्यू आई है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस पॉइंट पर, ठीक है, तो ये पहली चीज तो बता रहा है कि इसने डायरेक्शन दी कि अगर तुम इस डायरेक्शन में जाओगे, मतलब 82.87 डिग्रीज पे जाओगे, तो तुम इस फंक्शन को सबसे तेजी से आगे बढ़ाओगे। और कितनी तेजी से बढ़ाओगे, मतलब ये तो हो गया कि किस डायरेक्शन में जाओगे, और तुम्हारी स्पीड क्या होगी, तुम्हारी स्पीड होगी 8 times। सर ये लाइन समझ नहीं आई। अरे डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, स्पीड हाँ रेट ऑफ चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, कितनी तेजी से चीजें बदलेंगी। ठीक है, तो मेरे पास अभी यहाँ पर 4x है, ठीक है, सॉरी 2x है एट x इक्वल टू 4। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी कि 2x है ग्रेडियंट या डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 4। तो ये क्या बता रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 वैल्यू हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि अगर तुम इस पॉइंट से एक यूनिट इस डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो 8 यूनिट की होगी। ठीक है, तो जो मेरा ग्रेडियंट या डेरिवेटिव होता है वो मुझे दो चीजें बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना है कि फंक्शन सबसे तेजी से बढ़े। ठीक है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, इसका इंट्यूटिव प्रूफ भी है, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, मैं बात नहीं करूंगा कि कैसे ग्रेडियंट बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना है तो कॉस्ट, तो जो मेरा जो फंक्शन है सबसे तेजी से बढ़े। फिर से लिखता हूं, ग्रेडियंट टेल्स विच डायरेक्शन टू गो टू इंक्रीज फंक्शन फास्टेस्ट। इतना समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ग्रेडियंट हमें बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है तो आपका फंक्शन फास्टेस्ट हो। तो अगर मैं यहां पर हूं, ठीक है, मुझे ये डायरेक्शन क्या बताएगा, ऊपर वाली बताएगा, क्योंकि इसे फंक्शन बढ़ाना है। हमें फंक्शन बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना है, घटाना है, हमें फंक्शन घटाना है। तो अगर ये मुझे बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में जाओ तो फंक्शन बढ़ेगा, तो मुझे जस्ट क्या करना है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाना है मेरे पास। ठीक है, तो इसने बोला कि डायरेक्शन ये है, तो इसने कहा कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो होगी ना। Yes, sir. ठीक है, अब आओ, अब जो मैं इतने फॉर्मूला बता रहा था कि W new equals to W old minus gradient, यही बता रहा था। Yes, sir. Yes, sir. इसके आगे एक ईटा भी था, ठीक है, वो अभी ईटा वाले हम लोग बाद डिस्कस करेंगे, बट अभी ईटा था, तो यही था। तो यहां पर ये माइनस क्यों कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में करने के लिए, कि उसे अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो ये इक्वेशन अब समझ में आई? Yes, ये इक्वेशन कैसे बता रही है? अच्छा, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार इसका ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। यहां पर मेरा स्लोप कैसा बनेगा, 90 डिग्री से कम बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है, लेस देन 90 होगा ना, इस पार्ट में मेरा जो स्लोप होगा वो लेस देन 90 होगा, ये सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, टेन की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक के बीच में कैसी होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक
ठीक है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। अरे अब मैंने यहाँ पर मान लो ये एक वैल्यू ले ली थी x, मान लो कोई मैंने रैंडमली जो मेरा वेट इनिशियलाइज हुआ है वो आ गया x, x क्या मतलब कि कुछ भी आ गया, इसको मान लो कि ये आया मेरे पास 10, ठीक है 10 मतलब जो मेरी रैंडम वैल्यू इनिशियलाइज हुई वो ही 10, ठीक है। मेरा फॉर्मूला क्या है, 10 माइनस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पॉजिटिव है मेरे पास, ठीक है, तो अगर मैं इसमें से पॉजिटिव वैल्यू को डिक्रीज करूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी ये लेस देन 10 आएगी। यस सर, यस सर, ठीक है। तो मैं यहां पर था, अब मैं यहां पर आ गया, तो मैं इस डायरेक्शन में मूव किया कि नहीं किया, किया ना, ठीक है। अभी इधर मान लो ये पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका जो एंगल आएगा वो 90 से बड़ा आएगा, ठीक है, 90 से बड़ा आएगा, तो टेन की वैल्यू 90 से बड़े में निगेटिव होती है, ठीक है। अच्छा यहां पर मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया था, तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, माइनस 10। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कि रैंडमली इनिशियलाइज हुई माइनस 10, ठीक है, माइनस ऑफ इसकी वैल्यू क्या है, कुछ निगेटिव वैल्यू आई, तो मान लो आ गई मेरे पास माइनस 2 आ गई, निगेटिव ही आएगी ये पक्का है, क्योंकि एंगल 90 से बड़ा है तो 10 वाला मुझे निगेटिव उससे बड़ा आएगा, ठीक है। ये क्या आया, माइनस 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, तो पहले मैं यहाँ पर था, अब मुझे माइनस 10 से मैं माइनस 8 पर आ गया, तो मैं फिर से उसी डायरेक्शन में आ गया। यस सर, किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, मुझे जब मैं लेफ्ट साइड में हूँ तो मुझे राइट साइड जाना है, जब मैं राइट साइड हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड जाना है। तो ग्रेडियंट की इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या कि ग्रेडियंट आपको वो डायरेक्शन बताता है जिस डायरेक्शन में सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा फंक्शन, हम उसकी उल्टा करते हैं, उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करके और उसकी वैल्यू को अपने जो पैरामीटर्स हैं उसमें कर देते हैं अपडेट, क्योंकि ये मेरा रेट चेंज भी बताता है कि सबसे तेजी से किस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो भाई सबसे तेजी से बढ़ने के लिए स्पीड भी तो चाहिए मुझे, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होता है ग्रेडियंट का वही उसकी स्पीड होती है कि भाई कि कितनी तेजी से बढ़ेगा। तो मेरे पास जैसे 4x में आया कि 8 यूनिट के स्पीड से बढ़ेगा उस पॉइंट पर, ठीक है, ध्यान देना यहां पर है कि मेरे पास 2x का 8 आया था, ये मतलब था कि x इक्वल टू 4 पर वो 8 की स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि x स्क्वायर फंक्शन है तो जब तक ये x इक्वल टू 5 पे पहुंचेगा तब तक इसकी स्पीड 10 हो चुकी होगी, जब ये x इक्वल टू 6 पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, वो 12 हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना कि जो जैसे जब भी हमारे पास डेरिवेटिव या ग्रेडियंट में कोई फंक्शन आ जाता है, कोई वैल्यू आ जाती है पैरामीटर की, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है उस पॉइंट के ऊपर। ये फॉर्मूला जो मेरे पास था यही है क्या, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग बढ़ने की जगह उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ग्रेडियंट से हम लोग डायरेक्शन उठा रहे हैं और उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसमें ये घटेगा, जिसमें ये घटेगा, और वो हम कैसे निकालते हैं, माइनस वन की मल्टीप्लिकेशन से, और उसके बाद उसको अपने वेट्स में अपडेट कर देते हैं। अच्छा इसमें बड़ी दिक्कत होती है कि क्योंकि कल हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जब हम इसको वन से अपडेट करेंगे तो क्या होगा, मतलब कि पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड उठा ले तब क्या होगा, ये सब दिक्कतें होती हैं। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक ईटा वैल्यू से, इसको हम लोग कहते हैं लर्निंग रेट, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। कल नहीं, कल भी मैं सुबह बता दूंगा एक बार, लेकिन नहीं तो फिर मंडे को तो मिलेंगे, मंडे से हम लोग लर्निंग रेट और बाकी ऑप्टिमाइजेशन के जितने भी आरएमएस प्रॉप एडग्रेड, ठीक है, मोमेंटम, ये सब चीज़ें हैं, ये सब खाली खाली और खाली इस लर्निंग रेट के ऊपर बनी हुई है, बट मेन फंक्शन सेम आपका यही रहेगा, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एसजीडी। तो अब हमें करना क्या है, अब मेरे पास देखो स्टेप्स क्या बन गए, मेरे पास न्यूरल नेटवर्क में क्या स्टेप्स बन गए, मेक न्यूरॉन, ठीक है, फॉरवर्ड पास, ठीक है, कैलकुलेट,
लॉस कॉस्ट, ठीक है, फिर बैक प्रोपोगेट ग्रेडियंट, फिर अपडेट वेट्स एंड बायस। जब ये आपके पास बन गया, वापस आप यहां चल जाओ, फिर करो फॉरवर्ड पास, फिर लॉस निकालो, बैक प्रोपोगेट करो, फिर से उन्हें अपडेट करो, फिर निकालो, फिर करो, फिर से करो, फिर से अपडेट करो, और कंटिन्यूस करते रहो जब तक आपका लॉस या कॉस्ट डिक्रीज होकर आपके मन मुताबिक ना आ जाए। अब ये जो लूप है ये हमें कब तक चलाना है, या हमें दो कंडीशन होती है मेरे पास, कि या तो भाई मेरा परफेक्ट हो जाए, क्या लॉस जीरो हो जाए, लॉस जीरो हो जाए, ठीक है, बट वो होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जैसे नंबर ऑफ इपॉक्स देख लेते हैं कि जब तक मेरे पास गुड इनफ रिजल्ट आ जाए। गुड इनफ क्या है, कि जैसे मान लो मेरे पास भाई 99% एक्यूरेसी आ गई, ठीक है, अभी के लिए ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, 1% गलत जा रही है, ठीक है। बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर, डेटा क्लीन नहीं होता ना। हम लोग जो करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते हैं ऐसे जो पढ़ाने के लिए, तो डेटा एकदम वो होता है, क्लीन होता है, तो उस पर बड़े आराम से आ जाएगा। जैसे आयरिस वाला डेटा सेट है, देखेंगे उस पर लगाएंगे तो परफेक्ट, उसमें मतलब क्या है एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना ख़त्म उतना कर देगा। लेकिन अगर आपके पास लॉस जीरो हो रहा है, मतलब आप कहीं कुछ गलती कर रहे हो। अगर रियल वर्ल्ड में लॉस कहीं जीरो हो रहा है तो गलती, रियल वर्ल्ड में ना, हाँ। हम लोग इसका यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जब देख रहा होता है भाई मेरा जो नेटवर्क है, जो मैंने पूरा आर्किटेक्चर बनाया है, ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो है नहीं भाई मैंने बनाया और मैंने पहली बार में ही 1,00,000 के डेटा सेट पर चला दिया, नहीं हम ऐसे नहीं करते। हम जब बनाते हैं तो हम इसको टेस्ट करते हैं एक रो ऑफ डेटा पर, ठीक है। अगर मैं एक रो ऑफ डेटा पास करूं और पूरी मेरी प्रोसेस फॉरवर्ड बैकवर्ड अपडेशन करके लॉस मेरा जीरो आ जाए या फिर बहुत लो आ जाए, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई मेरा नेटवर्क काम कर रहा है। नहीं तो क्या होता है कि आपने बनाया, बीच में आप कहीं पर दिक्कत करोगे, कहीं पर मैट्रिक्स गलत हो गई, कहीं पर नंबर ऑफ न्यूरॉन गलत हो गए, कहीं पर जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया है वो गलत हो गया है, तो उस चक्कर में आप क्या करोगे, तो आप पहले एक रो ऑफ डेटा पर आप लॉस जीरो करके देखोगे, अगर ये हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है। अगर आपकी एक रो ऑफ डेटा पर भी ये जीरो नहीं हो गया, मान लो कि पूरा न्यूरल नेटवर्क रन हो गया आपका, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के वेट्स अपडेट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये आपका लॉस डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो आपका मतलब कि नेटवर्क सीख नहीं पा रहा है, तो आपको कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये एक ट्रिक है कि आपको पता करने के लिए आपका नेटवर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम उसे एक रो ऑफ डेटा पर चला के देखते हैं कि भाई वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लॉस जीरो कर देना चाहिए उसको, और अगर नहीं कर पा रहा है या फिर लॉस फिक्स है, मान लो 50 वैल्यू आई तो 50 के आसपास ही घूम रहा है, तो मतलब कि आपका न्यूरल नेटवर्क सीख नहीं पा रहा है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो अभी इसको पूरे डेटा सेट पर ना चलाओ, पहले इसमें कुछ चेंजेस करो। ये प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग, ऐसा देखेंगे ये जीरो, मतलब मैंने ट्रिक बता दी, अब ये करेंगे ही असाइनमेंट में करना, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे मतलब मैंने देखा था कि ग्लोबल वो मिनिमम पॉइंट निकालने ग्रेडिएंट डिसेंट यूज करके, तो कहीं कहीं क्या मतलब ग्लोबल पॉइंट भी निकालना पड़ता है, नहीं होता क्या है यूज करके, हाँ नहीं, ग्रेडिएंट डिसेंट तो तरीका यही है कि भाई ग्रेडिएंट से मल्टीप्लाई करो, सॉरी ग्रेडियंट की नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो फंक्शन है इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन। कॉन्वेक्स फंक्शन का मतलब क्या है कि इसमें एक ही मिनिमा होगा, ओनली वन मिनिमा। तो एसजीडी इस केस में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, एसजीडी या फिर ग्रेडियंट डिसेंट आपका, ठीक है। बट हमारे पास जो लॉस फंक्शन होता है वो ऐसा नहीं होता है, कॉस्ट फंक्शन, हमारे पास लॉस फंक्शन ऐसे आते हैं, ठीक है। तो इसका मिनिमम पॉइंट यहां पर है। अब अगर मैं ग्रेडियंट वाला काम करूंगा तो यहां से ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि मिनिमम इधर है, स्टीपेस्ट
ये ऊपर जाएगा बढ़ाने के लिए, तो हम लोग उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम लोग इधर आएंगे इधर आएंगे इधर आएंगे इधर आएंगे इधर आएंगे। मान लो इधर आ गए हम लोग, अभी एकदम नहीं पहुंचे, मान लो एकदम इधर आ गए। अब फिर ये कहेगा नहीं, इस डायरेक्शन में जाओगे तो बढ़ोगे, तो उल्टी डायरेक्शन में, तो हम लोग इधर आएंगे और हम यहाँ आके पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आके हम लोग रुक जाएंगे। ये होती है लोकल मिनिमा की प्रॉब्लम। ठीक है कि आपका ग्रेडियंट डिसेंट है वो लोकल मिनिमा में आके फंस गया, हमको जाना यहाँ पर है। इस फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि इसमें एक ही मिनिमा है पूरे फंक्शन में, जीरो की तरफ ही जाना है, तो समझने के लिए ठीक है बट एक्चुअली में काम नहीं करता। तो इसको यहाँ पर कि इन सब छोटी चीज़ों में ये ना फंसे, इसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम, इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लर्निंग रेट, क्योंकि लर्निंग रेट बताता है कि आपको कितना स्टेप लेना है। अगर मेरा लर्निंग रेट बहुत बड़ा होगा तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, मतलब ऐसे 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 करके उसी में फंसा रहेगा। हमें लर्निंग रेट छोटा लेना होता है, बट बहुत छोटा लेंगे तो यहाँ 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 तो इतना धीमे वर्क करेगा कि हो नहीं पाएगा, यहाँ पर आके फंस जाएगा। तो हम लोग इसी में मोमेंटम लगाते हैं, RMS प्रॉप लगाते हैं, एडाग्रेट लगाते हैं, एडम लगाते हैं, ये सब चीज़ें लगाते हैं कि जिससे मेरा वो फाइनल, मेरे पास जो फाइनल ग्लोबल मिनिमा है वहाँ पर जाके फंसे। तो ये लोग हम लोग नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, इस फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी ग्रेडियंट डिसेंट को, इसीलिए लीनियर रिग्रेशन में ग्रेडियंट डिसेंट बहुत अच्छा काम करता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वहाँ पर जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो पैराबोला होता है। चलो मैं जल्दी से कोड देख लें, लेट हो जाएगा। कहाँ गया, ये लौट रहा है। ठीक है, तो यही कोड, ये कोड किसी ने देखा कि नहीं देखा, मैंने शेयर सुबह ही कर दिया था। सर इसमें एक कोड में चीज पूछनी थी, मैंने तो भेजी थी। देखा सर ऊपर हाँ। वाली हाँ बताओ, ये बीट ऐड कर रहे थे वो लाइन देख रहा था सर, आपने हटा दी क्या? नहीं मैंने कोई लाइन नहीं हटाई है। इक्कल वाले कोड में सर एक हमने जो बीट ऐड करे थे डेंस लेयर में, तो उसमें सर हम लोग बीट्स वो आपने सेव रखा था, न्यू वेट वहां नहीं था तो लिखा यहां ये, सर ये वाला जो है ना बीट्स प्लस लिखा हुआ है, नीचे नीचे चला गया, यही तो है। नहीं ये सर ये बीट्स प्लस इज इक्वल टू ये जो बीट्स, हाँ ये सर हम लोग ये जो हम लोग तो वही वाला काम कर रहे हैं ना जो स्टोकास्टिक वाला, ये हाँ वही तो कर रहे हैं ना, वेट्स इक्वल टू वेट्स माइनस 0.001 इनटू ग्रेडियंट, तो मतलब ये जो वेट्स प्लस हो रहा है ये पुराना वेट और ये हम लोग इसमें, अरे यार ये नोटेशन है, एक्स प्लस इक्वल टू वन का मतलब क्या होता है? x = x + 1 यहाँ पर क्या लिखा है, वेट्स प्लस इक्वल टू दिस, तो क्या हो गया, वेट्स इक्वल टू वेट्स माइनस 0.001 इनटू ग्रेडियंट। वो तो समझ गया हम लोग, यहाँ पे जो ओल्ड वेट होता था ये न्यू वेट से माइनस करते थे, लेकिन यहाँ वेट तो सेम है, मतलब अरे मतलब हम लोगों ने एक ही वेरिएबल में रखा है, जब x इक्वल टू x प्लस 1 है तो ये अगर मान लो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर 10 थी, तो ये वर्क कैसे करता है, लेफ्ट साइड में न्यू वैल्यू आती है और ओल्ड साइड राइट साइड में ओल्ड वैल्यू जाती है ना, तो ये 10 + 1 = 11 हो गया ना। ठीक, तो फाइनल मेरे पास लेफ्ट साइड में क्योंकि w है, तो ये प्रोसेस होने के बाद न्यू वैल्यू इसमें आएगी और ओल्ड वैल्यू यहाँ जाएगी, और कुछ नहीं आया, ये तो इसमें कन्फ्यूज हो गया। ठीक है चलो, तो ये वाला कल हम लोगों ने देख ही दिया था, लेयर डेंस वाला, रेलू का भी ये देखो जो हम लोगों ने आज बात करी थी वही है कि भाई कि जब इनपुट्स बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या है, जहाँ पर इनपुट्स लेस देन इक्वल टू जीरो हैं वहाँ पर जीरो कर दो, बाकी सबको जो भी ग्रेडियंट आ रहा है उनको कुछ मत छूओ। इसकी तो इस लाइन का क्या मतलब है, कोई मेट्रिक्स आएगी तो जहाँ पर जिस पोजिशन पर इनपुट्स लेस देन जीरो थे वहाँ पर इसने जीरो सेट कर दिया और कुछ नहीं। फिर इसने सॉफ्टमैक्स का एक्टिवेशन निकाला, तो अगर किसी ने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा तो उसे समझ में आएगा कि जैकोबियन मैट्रिक्स क्यों निकाली है। ठीक है, फिर कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस का हमने निकाला था, वो हमारे पास था सिंपल
माइनस एन पी डॉट लॉग जो वैल्यू आई थी, और उसका बैकवर्ड क्या था हमारे पास, वो भी उस डॉक्यूमेंट में था। बट क्योंकि ये वाला काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मैक्स वाला निकालना कंप्यूटेशन में दिक्कत थी, तो हम लोगों ने एक्टिवेशन और क्रॉस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी को मर्ज कर दिया। तो फॉरवर्ड पास में हमने क्या किया है, पहले सेल्फ डॉट एक्टिवेशन जो भी है मेरे पास, तो एक्टिवेशन मैंने सॉफ्ट मैक्स से उसमें फॉरवर्ड किया है, फिर मैंने एक्टिवेशन का आउटपुट निकाल लिया है, यही मेरा फॉरवर्ड पास है, और आखिरी में जो लॉस है वो कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि सॉफ्ट मैक्स प्लस लॉस, तो इसका मुझे फॉरवर्ड भी करना है और इसी का मुझे बैकवर्ड भी करना है। तो बैकवर्ड का हमने कहा था कि बैकवर्ड उसका होता है y prediction माइनस y actual। तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन यही काम कर रही है, कैसे कर रही है वो तुमको देखना पड़ेगा, वो तुम्हें लेना पड़ेगा 0 point, मतलब कि आप दो वन हॉट एनकोडेड मैट्रिक्स लेना, दो वन हॉट एनकोडेड, अरे यार वन हॉट एनकोडेड लेना, एक लेना जिसको हो जाएगी प्रिडिक्शन की, ठीक है, और एक हो जाएगी एक्चुअल वैल्यूज की, दोनों वन हॉट एनकोडेड होनी चाहिए, ठीक है। तो जब तुम इनको सब्ट्रैक्ट करोगे वो देखना, और जो ये काम कर रहा है वो देखना, तो आपको लगेगा ये सेम ही चीज़ है, ये मैथ बैठ के करना पड़ेगा, दो मैट्रिक्स बनाकर उनमें सेपरेट वैल्यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वही है, ये जो आखिरी में डिवाइड किया है ये क्या है, ये कुछ नहीं है, अरे यार ये डिवाइड, अरे ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड क्या कर रहा है, कुछ नहीं, पूरा निकालो और उसको फिर डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल्स कर दो। जो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग अपने कॉस्ट को कॉस्ट निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पर, और फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं, और ये कुछ नहीं है, ये हम लोग अभी तक यही सब करते आए हैं। डेटा लिया इसने स्पाइरल वाला, ये डेटा कैसा है, इसमें आपके पास दो कॉलम्स हैं, ठीक है, तो दो कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ फीचर्स कितने हो गए, दो हो गए, ये पहले फीचर्स, फिर कितने न्यूरॉन हैं, डेंस लेयर ली, फिर उसने एक्टिवेशन का फंक्शन बनाया, फिर उसने दूसरी डेंस लेयर दी तीन न्यूरॉन के साथ, फिर उसने इस लेयर के ऊपर अपना सॉफ्ट मैक्स और कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगाया। तो मेरे पास चार लेयर हैं, डेंस वन, एक्टिवेशन वन, डेंस टू और लॉस एक्टिवेशन, तो मुझे इन चारों में फॉरवर्ड करना पड़ेगा और इन्हीं चारों में बैकवर्ड करना पड़ेगा। तो ये इसने फॉरवर्ड किया है, डेंस वन का फॉरवर्ड, एक्टिवेशन वन का फॉरवर्ड, डेंस टू का फॉरवर्ड, लॉस का फॉरवर्ड, और इसने लॉस को प्रिंट किया, जो भी लॉस की वैल्यूज आई शुरुआत की 5 रोज, ठीक है। फिर इसने प्रिडिक्शन निकाले, प्रिडिक्शन और लॉस में अंतर है, प्रिडिक्शन का मतलब है कि सही है कि गलत है, लॉस का मतलब है कि कितनी दूर है। याद करो हम लोगों ने कहा था कि अगर मेरे पास 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 के जैसे प्रोबेबिलिटीज को आया 0.33, 0.33 और 0.34, और एक जगह आया 0.1, 0.2 और 0.7, तो मैं सेकंड वाले को चूज़ करूँगा, तो लॉस और जो कॉस्ट है वो मेरा सेकंड वाले को प्रीफर करता है। बट प्रिडिक्शन के लिए दोनों सेम है, प्रिडिक्शन कुछ नहीं है, खाली एन पी डॉट आर्ग मैक्स है, कि अगर ये 100 है तो ये बता देगा कि हाँ भैया की पोजीशन 0, लेबल 0, मतलब कैट है। इसने एक्यूरेसी प्रिंट करी, फिर इसने बैकवर्ड किया, तो पहले लॉस का किया, जिस डायरेक्शन में आए हो उसकी उल्टी डायरेक्शन में बैकवर्ड होगा, तो लॉस डेंस टू, एक्टिवेशन वन, डेंस वन, उसके बाद इसने वेट्स प्रिंट कर दिए। अभी इसने यहाँ पर ग्रेडियंट डिसेंट नहीं लगाया है, वेट्स को सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, उसका कोड मैं कल सुबह शेयर कर दूंगा, बट ये पूरा कोड यही है और कुछ नहीं है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये एक काम है, फिर इसका हमें लूप में करना पड़ेगा, तो कल मैं सुबह शेयर कर दूंगा कोड उसका, वो देखना, उसमें कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास इतनी ही है, ग्रेडियंट का तो उतना ही ना कोड है, वेट, हाँ उतना ही कोड है, बस बस प्लस इक्वल्स अपने कोई दो लाइन का ग्रेडियंट के वेट के लिए और बेस के लिए, हाँ बस वही है, कुछ नहीं है, वही है, लेकिन वो पूरा लूप के साथ एक बार चला कर वो चीज देखेंगे, ठीक है, वो मैं भेज दूंगा। तो आज की क्लास इतनी है, हाँ अरे मैं एक ही बार नहीं अपडेट करूंगा ना, मुझे तो 50 बार अपडेट करना पड़ेगा ना, अच्छा, हाँ, तो वो तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा ना, अगर मैं एक ही बार काम करूंगा तो मैं क्या
करके रुक गया मैं, एक बार में वो परफेक्ट आता नहीं, अगर एक बार में आ जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, वो आइडियल केस है, वो कभी नहीं आएगा। तो हमें लूप लगा के, मैंने बात करी ना कि या तो जब तक लॉस ना जीरो हो जाए या तो तब तक हमारे काम भर की एक्यूरेसी ना आ जाए, दोनों केस है हमारे पास, ठीक है। चलो ठीक, हाँ क्या कह रहे, मैं सुबह बताऊंगा यार, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, देखता हूँ। चलो फिर मैं, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय और बी सेफ। कोडिंग क्लास है ना सर को? यार उन्हीं तो चाहिए, लेकिन कल शायद निवृत्ति सर किया तो मैं कह नहीं सकता, मैं सुबह बात करके बताऊंगा उनसे। कोड लीजिएगा सर क्लास। हाँ यार देखो।